चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि इसको जोड़ घटाओ या सिंपल सिंपल करके हम लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका 4 का ए नंबर देखो, हम लोग पहले ए बनाते हैं। 8 to the power 0 प्लस 9 to the power 0 माइनस 7 to the power 0। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखिए, ये सब पावर जब जीरो रहता है, किसी भी चीज का पावर जीरो रहता है तो उसका आंसर 1 होता है। हाँ, तो बाई 8 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो है बनाएंगे। तो 8 का पावर 0 1, तो ये 1 1 और ये -1, तो 2 -1 ये 1 आ गया आंसर, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके बाद हम 4 का सी बताएं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लग रहा था। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले a to the power m और गुना a to the power m, यानी कि n, हाँ ये अलग अलग पावर है, ठीक है। तो ये दोनों पावर ऐड हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, 3 है 3 है 3 है, सबका बेस 3 है, तो सारे सारे का जो एक्सपोनेंट है वो सब ऐड हो जाएगा। तो 5 + 7 + 2 + 5 सबको ऐड कर देंगे। नीचे में भी 3 था, 3 का सब पावर था, तो 3 का पावर यहाँ से 6 + 7 6 + 3 + 6 + 4 सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 to the power 19 ऊपर भी आएगा, 3 to the power 19 नीचे भी आएगा। उसके बाद हम a to the power m / a to the power n, तो a to the power m - n का प्रयोग यदि कर लें तो 3 to the power 19 - 19 हो जाएगा, जो कि 3 का पावर 0 और ये 1 आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर भी सेम आ गया था ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे भी कट करके और 1 लिख सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी एक क्वेश्चन होगा उसमें बचा हुआ, तो उसको आप खुद बनाइए। अच्छा, 2 क्वेश्चन और है, उसको खुद बनाना है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसका हम लोगों को रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 9, तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है ये होता है 1/9, ठीक है। तो या ऐसे लिखा हुआ है 3/5, तो इसका जब रेसिप्रोकल निकालना रहता है तो हम लोग निकालते हैं 5/3, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, और इस तरह से हमारा रेसिप्रोकल निकाला जाता है। इसके नीचे जैसे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, इसीलिए यहाँ पे 1/9 9 हो जाता है, ठीक है। विवेक अभी ज्वाइन किया है लेट से और रोज दिन ज्वाइन नहीं करता है, ओके। सो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए तो देखिए, 5 का क्वेश्चन नंबर ए जो था -2/9 था, तो इसको -9/2 कर दिए, उल्टा कर दिए। और यदि ये जो पावर रहता है, यदि ये प्लस में है तो रेसिप्रोकल में करने के बाद इसका पावर उल्टा हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसका पावर हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इसमें है देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 5 का b 25/5 to the power 4। तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 25 तो था, तो 25 को नीचे लिखे और 5 को ऊपर लिखे, और आपको बताया है कि पावर जो होता है वो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो देखिए, 25 का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो जिसका पावर कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे 1 समझा जाता है, तो
ट्वेंटी फाइव का पावर वन था तो यहाँ पे नीचे गया तो ट्वेंटी फाइव का पावर माइनस वन हो गया, और यहाँ पे फाइव का पावर नीचे में फोर था तो ऊपर में फाइव का पावर फोर गया तो फाइव का पावर माइनस फोर हो गया इस तरह से। उसके बाद इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइव का पावर जो है ऊपर में हम लोग फाइव का पावर फोर था ना ऊपर, हाँ इसको दूसरे ढंग से बनाया है, ऐसे आंसर आपका यही आएगा, ऐसे दूसरे ढंग से हम लोग बनाएंगे कि फाइव का पावर ऊपर में टू कर लेंगे, ये जो पच्चीस लिखा हुआ था ना इसको हम लोग फाइव का पावर टू कर लिए और नीचे में फाइव का पावर फोर कर लिए, तो दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा फाइव का पावर माइनस टू, और इक्वल टू करेंगे तो वन बाई फाइव का पावर प्लस टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस टू था वो ऊपर में पावर तो ये नीचे में गया तो प्लस टू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आप लोग बनाकर दिखाइए विवेक, एंड विवेक नहीं ज्वाइन किया है, ओके सो कोई भी नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, मैं बता दे रहा हूँ इसको। सो फाइव का पावर फोर उसके ऊपर फाइव डिवाइडेड बाय थ्री का पावर टू उसके ऊपर पावर फोर, तो इस तरह से थ्री टू द पावर ट्वेंटी हो गया। यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फोर जा ट्वेंटी, और यहाँ पे थ्री टू द पावर फोर थ्री टू द पावर टू उसके ऊपर पावर फोर, ये फोर टू जा एट हो गया। उसके बाद हम लोग जब इसको डिवाइड में है तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे कि ए टू द पावर एम और डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। तो इस तरह से थ्री टू द पावर ट्वेंटी माइनस एट तो थ्री टू द पावर ट्वेल्व हो गया। इस तरह से रेसिप्रोकल जो इसका निकालेंगे तो इसको नीचे करेंगे पावर प्लस में है ऊपर तो नीचे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा वन बाई थ्री टू द पावर माइनस ट्वेल्व। और हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो अगर बेस सेम रहेगा तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है ना। जब दो चीज़ बराबर है इसका मतलब कि हर चीज़ बराबर होगा, यहाँ पे बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होगा, तो इस तरह से टू एक्स इक्वल टू फोर करके इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि बेस बेस यहाँ पर लिख देंगे, बेस बेस इज सेम सो पावर इज ऑल्सो सेम, यानी कि बेस माइनस फिफ्टीन बाई एट यहाँ भी है माइनस फिफ्टीन बाई एट यहाँ भी है, तो एक्सपोनेंट जो होगा टू एक्स और फोर वो दोनों एक ही जैसा होगा, तो टू एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे टू आ गया। शिवानी कहाँ चली गई थी, ओके अब इसको बनाकर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी में दिया हुआ है थ्री बाई फोर टू द पावर एक्स माइनस वन और नाइन बाई सिक्सटीन, ये आपका नाइन बाई सिक्सटीन है, ओके तो देखिए थ्री बाई फोर टू द पावर एक्स माइनस वन है और इधर नाइन बाई सिक्सटीन है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको बेस को हम लोग सेम बनाएंगे, तो थ्री का पावर जो है हम लोग टू जानते हैं, थ्री का पावर टू नाइन होता है और फोर का पावर टू सिक्सटीन होता है, तो हम लोग थ्री बाई फोर का होल पावर टू ले लेंगे और इस तरह से थ्री बाई फोर टू द पावर एक्स माइनस वन और थ्री टू द पावर थ्री बाई फोर टू द पावर टू, तब यहाँ पे बेस सेम है, बेस इज सेम देयरफॉर एक्सपोनेंट इज इक्वल, तो एक्सपोनेंट यानी कि ऊपर वाला पावर तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू कर दिए, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन, ये माइनस वन इधर से इस साइड जाएगा,
ये प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वन कर दिया और एक्स इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 था। अब हम कुछ एक्सरसाइज 5.3 के लिए आप लोगों को बता देते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन आप बनाकर रखेंगे। क्या होता है कि नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उतना बड़े नंबर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, और शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म समझा जाता है उसको ये समझा जाता है कि एक एक जो है नंबर, यानी कि ओनली वन डिजिट नंबर को हम लोग मेन डिजिट बोलें, और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग 10 का पावर में लिखें या मतलब डेसिमल फॉर्मेट में दें। जैसे यहाँ पर देखिए 1989 था, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि 1.9891 × 10^30, ये 10, यहाँ पे जो है 10 जीरो था तो वो पावर में आ गया। और यहाँ पर हम लोग ऐसे भी मतलब लिख सकते थे ना कि सॉरी यहाँ पे पूरा पावर 10, ये जीरो जो है वो 26 जीरो हैं, तो 26 जीरो ये रहा 26 जीरो। उसके बाद जो है हम लोग डेसिमल को यहाँ पे 3 अंक यहाँ पे और लिए हैं ना, 4 अंक, देखिए 1, 2 और ये 3 और ये 4, 4 अंक के बाद लिए हैं यहाँ पे डेसिमल, इसीलिए 4 और 26 में ऐड हो गया, तो ये 10^30 हो गया। यानी कि आप लोगों को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कहा जाए तो आप लोग डेसिमल को हमेशा एक डिजिट के बाद रखेंगे और बाकी जितना भी डिजिट है उसको 10^ में कर लेंगे, है ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये वाला नंबर आपका दिया हुआ था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फिर इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा लाइन का बढ़ गया था। हाँ देखिए, अब यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे जो डेसिमल है, सॉरी यहाँ पे कितना अंक के बाद था, इधर मात्र 2 दाहिने हाथ तरफ से देखिए तो मात्र 2 के तरफ है, तो हम लोग इसको क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लाना है, 3 के पहले लाना है, ठीक है। तो 3 के पहले लाना है, यानी कि कितना डिजिट शिफ्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 डिजिट हम लोगों को लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करना है, और लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। तो देखिए मतलब पहले से 10^0 था, और 10^0 था पहले से, मतलब इसको इस नंबर को हम लोग देखें तो 3, 5, 6, 4, 8, 4, 42.32 और गुना 10^ पहले से जीरो था। अब हम लोग क्या किए कि डेसिमल को यहाँ पे 6 डिजिट के बाद शिफ्ट किए, तो अब हमारा हो गया 3.56484.2, यहाँ पे पॉइंट तो आगे चला गया तो ये पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, तो 2, 3, 2 × 10^ पहले से जीरो था, तो जीरो में और 6 ऐड हो गया, ठीक है। जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो पावर को जो डेसिमल के बदले जो पावर होना चाहिए 10 का उसको आप ऐड कर देंगे, है ना। तो उतना डेसिमल ऐड हो गया तो ये 0+6 जो हो गया वो 10^6 हो गया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, सो शिवानी इसको बना सकती है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि बना सकती है तो बोलो, बनाओ जल्दी से। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे डेसिमल कितना शिफ्ट करना है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट शिफ्ट करना है, तो हम लोग 10^ जो है 5 सर बन गया, कितना हुआ 6.3987
54157 इंटू 100 का पावर 5, 10 का पावर 5, 10 का पावर, हाँ 10 का पावर 5 लिखना है ना, 10 का पावर 5, यस करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि और भी एग्जांपल दिए गए हैं है ना। अब हम लोग को कंपेयर करने के लिए सीखना है कि दो नंबर जो अगर दिया हुआ है जैसे 2.95 है इंटू 10^16 है और 6.35 है और 10^16 है, दोनों में बड़ा कौन है। तो जब देखिए यहाँ 10 का पावर जब सेम है तो हम लोग इसको भूल जाते हैं और सीधा ये वाला नंबर को देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तो 2.9 बड़ा है कि 6.3 बड़ा है, तो 6 ही बड़ा लग रहा है ऐसे, तो 6.35 इंटू 10^16 बड़ा नंबर है और 2.95 इंटू 10^16 छोटा नंबर है, जो कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तब आप लोग को उसी तरह से इसमें बताइए कि ये दोनों नंबर जो दिया हुआ है ट्राई आउट में, कंपेयर 5.36 इंटू 10^45 एंड 4.75 इंटू 10^45, इसमें कौन बड़ा नंबर है। ओके यहाँ पर देखिए 10 का पावर 45 यहाँ भी है और 10 का पावर 45 यहाँ भी है, तो दोनों जगह तो सेम ही है। तो हम लोग को बस ये वाला नंबर देखना है कि 5.36 बड़ा है कि 4.75 बड़ा है। तो जानते हैं आप कि 4 जो है काउंटिंग नंबर में पहले आता है, 5 जो है बाद में आता है, तो 5 बड़ा है ऐसे ही, इसलिए 5.36 बड़ा है 4.75 से। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे कि 5.36 इंटू 10^45 इज ग्रेटर देन का साइन इस तरह से होता है, ये ग्रेटर देन 4.75 इंटू 10^45, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 5.3 है, जो कि आप होमवर्क में बनाने का कोशिश करेंगे। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके सो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।